भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मातृशक्ति को नमन। सरल विषय, गूढ़ विषय, समाज में जीने के विषय, व्यवहार जगत के विषय, निश्चय जगत के निक्षेप, अंतिम मोक्ष, समस्त प्रश्नों का जवाब देने वाला, जो कहीं निरुत्तर नहीं होता है, उस अध्यात्म विज्ञान को, सनातन सत्य को, जो कि कुदरत, कुदरत की रचना और कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है, उसको बताने वाले स्वयं ज्ञानी पुरुष, विज्ञानी पुरुष स्वामी कमलेशानंद जी हमारे स्टूडियो में विराजमान है। आप समस्त श्रोताओं की तरफ से स्वामी जी प्रति कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, चार घाती कर्म जो कि मुक्ति में जाने के लिए अवरोधक है, ज्ञानावरणीय कर्म, ज्ञान के ऊपर आवरण है, जैसे सूर्य होते हुए बीच अगर मान लो बादल आ जाते हैं तो दिखाई नहीं देता है, और ये केवल दर्शन, केवल ज्ञान नहीं होने देता। दूसरा दर्शनावरणीय कर्म भी इसी तरीके से केवल दर्शन नहीं होने देता। मोहनीय कर्म जो है, ये हमारा जो शाश्वत सुख है आत्मा का, उसके ऊपर अवरोध है, आवरण है, पर्दा है। तो जो अंतराय कर्म है, ये सब तीनों के ऊपर जब जो है वो जो ये हटने नहीं देता है, उसको जैन दर्शन मानता है कि अंतराय यानी अवरोधक है, और वो केवल दर्शन, केवल ज्ञान तभी होता है जब उसकी अंतराय टूट जाती है। और मोहनीय कर्म का मतलब ये होता है कि हमारे जो है अंतराय लगी हुई तो टूट जाती, और बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि अंतराय का मतलब जो है, इस किसी ने किसी को कष्ट दिया, वो जब हिसाब पूरा हो जाता है, दूसरे शब्द में अंतराय का अर्थ होता है हिसाब का पूरा होना, हो जाता। तो कृपया ये अंतराय कर्म, क्योंकि ये जो है घाती कर्म है, तीन कर्मों के घाती कर्मों की हमने काफी चर्चा की, अंतराय बहुत कम चर्चा में आया। तो आप अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से अंतराय कर्म क्या है, इसका क्या रोल है, और जैसे तीनों संपूर्ण विनाश होते हैं, तो ये संपूर्ण विनाश कब होता है, कृपया इसका थोड़ा सा खुलासा। प्रश्न के लिए धन्यवाद। मुक्ति के मार्ग में और सिद्ध क्षेत्र में जाने के लिए जैन धर्म में आठ प्रकार के कर्म बताया गया है। ये आठे प्रकार का कर्मों का क्षय होना मतलब सिद्ध क्षेत्र में जाना या निर्वाण प्राप्त करना। उसमें से आठ प्रकार के कर्म का दो प्रकार है, घाती कर्म और अघाती कर्म। घाती कर्म वो आत्मा के केवल ज्ञान को, केवल दर्शन को, आत्मा के केवल ज्ञान को घात करता है, आत्मा की अनंत शक्तियों को घात करता है। तो ये केवल ज्ञान जो होता है वो क्यों आत्मा की अनंत शक्तियों को घात करता है, क्योंकि होने के बाद भी अनुभव नहीं होने देता है, इसको घाती कर्म बोलते हैं। वो घाती कर्म है चार प्रकार के, ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण, मोहनीय और अंतराय कर्म। ये चार कर्म जो है वो आत्मा की अस्तित्व, आत्मा का अनुभव और आत्मा की शक्तियों को अनुभव करने में बाधा डालता है, विक्षेप बनाता है। तो चार कर्म में से पहले जो तीन कर्म है, ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण, मोहनीय, ये तीनों का एक नाम है अज्ञान। वो अज्ञान से ही मूलतः आत्मा की अनुभूति का अंतराय बना हुआ है। अंतराय कर्म कोई अलग कर्म नहीं है। और जीवन में हमको पैसा नहीं मिलना, वस्तु नहीं मिलना, व्यक्ति नहीं मिलना, ये अंतराय शब्द बोलते हैं, वो अंतराय नहीं है, वो पाप पुण्य का खेल है। अंतराय सनातन सत्य की बात होती है। अंतराय सब्जेक्ट टू सोल है, अंतराय सब्जेक्ट टू बॉडी नहीं है।
सब्जेक्ट टू बॉडी है नाम कर्म गोत्र कर्म वेद और आयुष कर्म, इसमें अंतराय कर्म नहीं आते हैं। मगर पाप से कोई चीज नहीं मिलती है तो हम इसको अंतराय शब्द लगा देते हैं, मगर वो करेक्ट नहीं है। अंतराय शब्द सनातन सत्य रूपी आत्मा की अनुभूति न होना उसके लिए बताया गया है शास्त्र में, व्यवहार में हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, वो इंडिविजुअल मैटर है। मैं अभी हमारे शास्त्रों में जो आठ प्रकार के कर्म बताए, वो आठ प्रकार में पहले चार प्रकार के कर्म का रोल क्या है इसके ऊपर में अपना फोकस बनाए रखा है। तो तीन प्रकार के जो कर्म बताए, चार में से तीन ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण और मोह विकार। आठों कर्मों में सबसे पावरफुल कर्म है मोहनीय कर्म, आठों कर्मों के राजा किंग, अगर वो है वहां तक सब कुछ है। तो मोहनीय कर्म जो है उसका आधार है ज्ञानावरण और दर्शन आवरण। जहां तक ज्ञान और दर्शन का आवरण आपके दृष्टि में लगा हुआ है वहां तक मोहनीय कर्म रहेगा, और मोहनीय कर्म रहेगा वहां तक केवल ज्ञान का अंतराय भी रहेगा, और कोई ऑप्शन नहीं। और बाकी के जो चार कर्म है, नाम कर्म पुत्र कर्म वेदनी आयुष्य कर्म, इसको आत्मा और केवल ज्ञान से कोई मतलब नहीं है, वो टोटली फिजिकल बॉडी के साथ जुड़ा हुआ है। इसीलिए केवल ज्ञान के बाद भी ये चारों कर्म रहेंगे, मतलब वो केवल ज्ञान में उसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसकी हम अभी चर्चा नहीं करेंगे। तो जो घाती कर्म है उसमें ज्ञान आवरण दर्शन आवरण उसके आधार से मोहनी और उसके आधार से अंतराय। तो ज्ञान आवरण और दर्शन आवरण का मतलब क्या है? सही ज्ञान के ऊपर आवरण और सही दर्शन के ऊपर आवरण, या तो सनातन ज्ञान के ऊपर आवरण या तो सनातन सत्य के ऊपर आवरण, उसका नाम मोहनीय कर्म और उसी से अंतराय होता है। तो ज्ञान आवरण का मतलब क्या? आत्मा की हाजिरी होते हुए, आत्मा का ज्ञान होते हुए और आत्मा को मानते हुए भी, और आत्मा का लक्ष्य भी है हमारे पास, उपयोग भी है, जागृति भी है, मगर ये उपयोग जागृति हमको कभी रहती है कभी नहीं रहती है। तो नहीं रहती है वो ज्ञान आवरण कर्म हो गया है। उस समय आप रिलेटिव सत्य यानी शरीर और शरीर की अवस्थाओं में जुड़ गए हैं। तो ये अज्ञान प्रयोग हो गया। क्या हो गया? अज्ञान। अभी विज्ञान प्रयोग नहीं होगा। दूसरा है दर्शन आवरण। दर्शन आवरण का मतलब क्या है? जो दुनिया का सनातन सत्य है कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना, वो सनातन सत्य है और सबके लिए एक है। ये जानते हुए भी, मानते हुए भी और उपयोग करते हुए भी कभी कभी हम चूक जाते हैं, वो ज्ञान दर्शन आवरण है, इसी से भी कर्म बनेंगे। ज्ञान आवरण से भी बनेंगे, दर्शन आवरण से भी बनेंगे। दोनों का आवरण का मतलब वैल्यू ऑफ रिलेटिव ट्रूथ। उनका दूसरा ऑप्शन क्या है? वैल्यू ऑफ रिलेटिव ट्रूथ, या सनातन सत्य है या रिलेटिव सत्य है। ये नहीं है तो ये तो है, और कोई ऑप्शन नहीं है। और रिलेटिव सत्य का मतलब ही कर्म बनना है, चाहे पाप कहो चाहे पुण्य कहो, चारों में से कोई गति का कहो, कर्म बनेगा बस। तो ये दोनों समझ गए। तो मोहनीय कर्म क्या है? तो के मिथ्या, तो के ज्ञान आवरण और दर्शन आवरण
कारण हम संसार में अटैच रिलेटिव सत्य में अटैच हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मोहनीय कर्म से। मोहनीय कर्म का मतलब क्या? मोहनीय कर्म का मतलब है आत्मा के अलावा संसार, संसार के सत्ता संपत्ति संबंध और साधन, संसार की अवस्थाएं या और कोई भी प्रकार का रिलेटिव सत्य में सुख है ऐसा मानना, ऐसा अनुभव करना और इसके लिए प्रयास करना, ये सब मोहनीय कर्म का ही प्रकार है। और मोहनीय कर्म है वहां तक कर्म बनेंगे ही, क्योंकि प्राप्ति ही रिलेटिव सत्य की है। तो ये तीन चीज जो है, ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण, मोहनी, ये तीन हमारे में है, आवरण के रूप में है। यानी सभी आवरण नहीं निकल गए, वहां तक केवल ज्ञान का अंतराय रहेगा। और अगर ये तीन निकल गए, ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण, मोहनीय कर्म, तीनों खत्म हो गए, मतलब हम 12वें गुंठाने पे आ गए, सायक संकेत, अभी मिथ्या रहा नहीं, अभी आवरण रहा नहीं, मोहनीय कर्म रहा नहीं, तो फिर अगर ये तीनों चला गया, उसको आपने कहा सायक संकेत, मतलब अभी विक्षेप नहीं आएगा, अभी संकेत में कभी आवरण नहीं आएगा, तो फिर क्या होगा? तो फिर केवल ज्ञान क्यों नहीं होता है? तो बोला तभी तो उसी को केवल दर्शन कहते हैं। तीनों को अज्ञान को जाना है, उसका नाम केवल दर्शन। तो फिर केवल दर्शन के बाद केवल ज्ञान क्यों नहीं होता है? क्योंकि केवल ज्ञान जो है वो पुरुषार्थ का, ये तीनों को जाने का फल नहीं है, केवल ज्ञान बीज का फल है। केवल दर्शन पुरुषार्थ से होगा और केवल ज्ञान रिजल्ट से होगा, क्योंकि केवल ज्ञान स्वरूप आत्मा है, मतलब प्रतिष्ठित आत्मा केवल दर्शन स्वरूप नहीं है। अगर वो होता तो उसमें भी पुरुषार्थ नहीं होता, मगर प्रतिष्ठित आत्मा के पास केवल दर्शन नहीं है, इसीलिए केवल दर्शन के लिए पुरुषार्थ है। मगर आत्मा केवल ज्ञान स्वरूप है, तो उसका अगर बीज हुआ तो फिर क्या होगा? फल मिले, फल केवल ज्ञान। अभी आप कहोगे कि अगर आत्मा केवल ज्ञान स्वरूप है तो फिर हमको अनुभव में क्यों नहीं आता है? तो कुदरत का कानून कहता है, जहां तक ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण, मोहनीय कर्म जीता है, वहां तक तो अज्ञान है ही और वहां तक कर्म है ही, कर्म बंद है और जन्म मरण भी है, तो वो देहाध्यास है, वहां तक आत्मा का अनुभव संभव नहीं। अभी मानो के ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण, मोहनीय कर्म खत्म हो गए, बाद में तो देहाध्यास खत्म हो गया, तो फिर तो केवल ज्ञान होना चाहिए ना। तो इसीलिए कहा पहले होगा केवल दर्शन, हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है केवल दर्शन के बिना केवल ज्ञान नहीं होता है, ये नियम है, पहले केवल दर्शन। और जब जिसको केवल ज्ञान होता है वो ऐसा नहीं कहेंगे कि उनको केवल ज्ञान केवल दर्शन हुआ, ऐसा कोई शास्त्र में नहीं लिखा है, उनको यही कहेंगे केवल ज्ञान ही हुआ और मोक्ष में गए, केवल ज्ञान दर्शन हुआ मोक्ष में गए ऐसा नहीं बताएंगे। मगर दर्शन के बाद ज्ञान है, क्या है? दर्शन एक पड़ाव है और ज्ञान अल्टीमेट है। तो केवल दर्शन होता है तब केवल ज्ञान का बीज होता है। अभी प्रश्न होगा तो बीज की क्या जरूरत है? आत्मा तो केवल ज्ञान स्वरूप है ही, तो फिर बीज की क्या जरूरत है और फल की क्या जरूरत है? हाँ, तो बीज और फल की तब जरूरत है क्योंकि आत्मा जो केवल ज्ञान स्वरूप है,
वो हमको अनुभव करना है, तो वहां से आदि होगी, स आदि, और फिर अनंत रहेगा, सादी अनंत। उससे पहले सादी शांत होती है, शरीर होगा वहां तक, फिर शरीर छूट जाएगा तो सादी अनंत, फिर इनफाइनाइट होगा। शांत का मतलब अभी चार प्रकार के कर्म बाकी है, और वो भी चला गया तो सादी अनंत, सादी स आदि तो हुई, फिर अनंत काल के लिए। तो इसीलिए रिजल्ट के लिए ये चाहिए, क्योंकि आत्मा तो स्वभाव से ही केवल ज्ञान स्वरूप है, उसको तो केवल ज्ञानी बनाना नहीं है। मगर अभी तक हमने शरीर के बारे में सेंटर में रख के पुरुषार्थ किया था, अभी आत्मा को सेंटर में रख के पुरुषार्थ किया तो अज्ञान खत्म करने की प्रक्रिया हुई। अभी अज्ञान खत्म हो गया, एक पड़ाव आ गया, क्या है पड़ाव, एक पड़ाव। अभी नेक्स्ट पड़ाव के लिए पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है, मगर बीज होगा तो फल स्वयं होगा, और हमारे शास्त्रों में बताया गया है जिसको भी केवल ज्ञान होता है वो जन्म से पहले डिसाइड हो जाता है कि नेक्स्ट बर्थ में उनको ये समय, ये स्थल और ये अवस्था में केवल ज्ञान होगा। ये इटसेल्फ प्रूव करता है कॉज की इफेक्ट, इफेक्ट है। अगर कॉज की इफेक्ट नहीं है तो फिर टाइम की क्या जरूरत है, प्लेस की क्या जरूरत है, अवस्था की क्या जरूरत है, नहीं, ऐसे समय ऐसे स्थल पे ऐसी अवस्था में ही केवल ज्ञान होगा। जैसे भगवान महावीर को तिथि तो नहीं मालूम मेरे को, मगर शाम का समय था, सूरज ढल रहा था, अस्त हो रहा था, और वो गौ दोहासन पे बैठे, और उसी समय शाल वृक्ष के केवल ज्ञान हुआ। तो कहने का मतलब ये भी डिसाइडेड है, और डिसाइडेड का मतलब भी कॉज की इफेक्ट, फिर आप उसको पुरुषार्थ शब्द लगा सकते हैं। तो वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है, स्पिरिचुअल साइंस इज वेरी क्लियर। तो इसीलिए हमने कहा कि विज्ञान जितना जितना समझ में आएगा, ये विज्ञान अपने आप ही सैद्धांतिक होने के नाते सहज सरल और समझने में सुगम भी है। आइए हम सब आगे आगे आध्यात्मिक विज्ञान की और भी बातें समझने की कोशिश करेंगे, मगर मुख्य मुद्दा जो प्रश्न था, अंतराय कर्म। अंतराय का मतलब होता है जो है उसका अनुभव नहीं होना, ये अंतराय है। आध्यात्म में लौकिक जगत में मैं कोई विनाशी चीज या गति पाना चाहता हूँ, नहीं मिलता है तो उसको अंतराय शब्द बोलते हैं, मगर वो अंतराय नहीं है, वो कर्म का फल है। मिलना वो भी कर्म का फल, नहीं मिलना वो भी कर्म का फल। इसको आध्यात्मिक परिभाषा में जो अंतराय शब्द लगाया गया घाती कर्म के रूप में, वो शब्द यहाँ लागू नहीं होता है। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चार घाती कर्म, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय। इसमें से ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और मोहनीय को एक शब्द कहते हैं अज्ञान। अज्ञान रहता है जब तक हमारों को केवल ज्ञान प्राप्त होने की अंतराय रहती, वो हो नहीं सकता। और अज्ञान सारा जो है इरेज हो गया सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का उपयोग करते करते, कुदरत कुदरत रचना कुदरत के कानून को देखते हुए, बिना उसको ब्रेक किए हुए अज्ञान का संपूर्ण नाश हो गया, तब हमारे को केवल दर्शन पहले जन्म में, दूसरे जन्म में केवल ज्ञान होता है, तो वो ऑटोमेटिकली अंतराय टूट जाती है। तो ये तो एक दूसरे से जुड़े हुए है, इसका तो अर्थ ये कि इसका ये साथी है, जब तीनों चले जाते हैं तो इसका अस्तित्व नहीं रहता है। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी इन सब बातों को टिकाए रखने के लिए आप राय बताते हो, मुझे भी बहुत अच्छा चला कि दृश्य, दृष्टा और दृष्टि, ये तीनों का जो आपस के अंदर मेल होता है, तीनों को मिलाया जाता है तब कोई भी कार्य जो है संपन्न होता है, चाहे हमारा रियल पुरुषार्थ और रिलेटिव पुरुषार्थ हो। तो कृपया ये बहुत सुंदर इक्वेशन है, सुंदर त्रिवेणी है,
उपयोगी है दोनों दृष्टि से, तो इसको कृपया दृश्य दृष्टा और दृष्टि को थोड़ा खोल करके बताइए कि किस तरीके से ये हमारे पुरुषार्थ के लिए उपयोगी हो सकता है। अध्यात्म विज्ञान ने दो प्रकार के समीकरण बताया है, दृश्य दृष्टि और दृष्टा। दूसरा समीकरण है ज्ञेय ज्ञान और ज्ञाता। हम पहले समीकरण की बात करते हैं, दृश्य। आंखों से दिखता है वो दृश्य है, सपनों में दिखता है वो भी दृश्य है, और दृश्य को देखने वाली दृष्टि है, और वो दृष्टि अगर दृष्टा नहीं है तो दृष्टि और दृश्य भी नहीं है। बहुरंशी याने दृश्य और दृष्टि का आधार दृष्टा है, दृष्टा वो स्वाभाविक है और दृश्य दृष्टि से दिखता है, वो आपके ज्ञान दर्शन का प्रश्न है, वो दृष्टा का प्रश्न नहीं है। दृष्टा का काम प्रकाशित करना, फिर उसको क्या देखना, कैसे देखना, क्यों देखना, ये दृष्टि का शब्द है। उनके पास जैसा ज्ञान दर्शन है उसी मुताबिक वो दृश्य को देखेगा। तो कई लोग कहते हैं कि आपने दृश्य दृष्टि और दृष्टा दोनों तो बता दिया, दूसरा समीकरण जो बताया वो ज्ञेय ज्ञान और ज्ञाता, तो ये समीकरण क्या है? तो कि ज्ञेय का मतलब पदार्थ, फिर ज्ञान का मतलब पदार्थ का ज्ञान, और ज्ञाता का मतलब प्रकाश, ज्ञेय और ज्ञान को प्रकाशित करने वाला। तो यहां प्रश्न भी होता है, तो फिर दृष्टि और ज्ञान में अंतर क्या है? यहां दृष्टि बताया, यहां ज्ञान बताया, यहां दृश्य बताया, यहां ज्ञेय बताया, यहां दृष्टा है, यहां ज्ञाता है। तो कॉमन जो बात है कि दृष्टि और ज्ञान ये दोनों में अंतर क्या है? तो कहते हैं 2 साल का बच्चा और 22 साल का बच्चा दोनों पंखे को देख रहे हैं, तो दोनों के पास दृश्य तो एक ही रहेगा, मगर 2 साल के बच्चे को ये पंखा है, ये कॉफी कलर का पंखा है, ये इतने प्राइस का पंखा है, ये कंपनी का पंखा है, ये ज्ञान नहीं, वो 22 साल के बच्चे को है। तो देखना वो दृश्य तो दोनों के पास है, मगर ज्ञान दोनों के पास अलग अलग है। अलग। तो ज्ञान का मतलब होता है डेवलपमेंट। अभी वो ज्ञान 2 प्रकार का है, एक भौतिक ज्ञान, एक आध्यात्मिक ज्ञान। जो भौतिक ज्ञान होता है वो रिलेटिव सत्य के ऊपर आधारित है, और जो आध्यात्म ज्ञान होता है वो सनातन सत्य के ऊपर आधारित है। तो इसीलिए कहा ने जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, तो यहां दृष्टि का मतलब ज्ञान और दर्शन। जैसा ज्ञान दर्शन है वैसा ही आप पुरुषार्थ कर सकते हैं, अवस्था को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। विदाउट ज्ञान दर्शन आप नहीं समझ सकते हैं। और इसीलिए हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, और आध्यात्मिक पुरुष कहते हैं जैसी सृष्टि वैसी दृष्टि वो अज्ञानी को है, और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि वो ज्ञानियों को है, क्योंकि अज्ञानियों का ज्ञान अवस्था के ऊपर आधारित है और ज्ञानियों का ज्ञान सनातन सत्य के ऊपर आधारित है। वो अंदर से बाहर देखते हैं, वो बाहर से अंदर देखते हैं, जिसको अज्ञान कहते हैं। ये आदमी ने ऐसा किया,
वो मैंने देखा, तो बाहर का ज्ञान अंदर लिया, तो वो अज्ञान है। अंदर के ज्ञान से देखा कि कोई भी मनोचन काया करता नहीं हो सकता है, मतलब क्रिया हुई मगर वो करता, तो अंदर का ज्ञान है। अंदर का ज्ञान वो सनातन है, बाहर का ज्ञान वो रिलेटिव सत्य है। बाहर के ज्ञान से पाप पुण्य और जन्म मरण बढ़ते रहते हैं, और अंदर के ज्ञान से डेवलपमेंट होता है, और धीरे धीरे जन्म अज्ञान खत्म होता है, और जन्म मरण के चक्कर धीरे धीरे कर्म खत्म होके समाप्त होता है। तो ये एक प्रक्रिया है। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने दृश्य दृष्टा दृष्टि तीनों और ज्ञेय ज्ञान और ज्ञाता इन सब का बताया, लेकिन इसके अंदर जो दृश्य हो तो पांच इंद्रियों से, आंखों से, खुली आंखों से जो दिखाई देता दृश्य हो गया, लेकिन इसको देखने वाली दृष्टि है। और दृष्टि और दृश्य जब है, जबकि दृष्टा है, पावर हाउस नहीं तो बिजली कहां से आएगी? जो बिजली आ रही है वो दृष्टि है, और जो बल्ब प्रकाशित होता है वो दृश्य है। तो दृष्टि बड़ी इंपॉर्टेंट है, तभी बना कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो अब इस दृष्टि के उपयोग कहाँ करते हैं, ये हमारा पुरुषार्थ होता है, इसी से रियल पुरुषार्थ रिलेटिव पुरुषार्थ। स्वामी जी अब इससे निकल के एक प्रश्न आया कि जो हम इसको, क्योंकि अब समय की अल्पता हो रही है तो अभी प्रश्न रखेंगे तो उसका उत्तर भी पूरा नहीं आएगा। तो समस्त श्रोताओं की तरफ से आपके प्रति बहुत कृतज्ञता, धन्यवाद, साधुवाद, और जय सच्चिदानंद।